भारत बहुत जल्द विकसित देश बनना हो तो मेरे हिसाब से उधर हर महीने चुनाव होना चाहिए। आज की मेरी आप जो रिपोर्ट देखेंगे तो आपको लगेगा कि मैं सही बोल रहा हूँ। नमस्कार, मैं हूँ निखिल भटनागर और आप देख रहे हैं newsview360.com। चुनाव आयोग द्वारा पिछले गुरुवार को हिमाचल में चुनाव तारीख का ऐलान कर दिया है। 9 नवंबर को वहां पे चुनाव है और 18 दिसंबर को पता चल जाएगा कि हिमाचल का राजा कौन बनेगा। लेकिन गुजरात में चुनावों की तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, जबकि हिमाचल और गुजरात में चुनाव हर बार एक साथ ही होते हैं। लोगों का कहना है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने गृह राज्य गुजरात का दौरा करेंगे 16 अक्टूबर के बाद और वो अपनी स्टाइल में वादों की पोटली खोल देंगे। कितना चाहिए? 100 करोड़ चाहिए, 200 करोड़ चाहिए, चलिए मैं 300 करोड़ दे देता हूँ। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा लोगों का कहना है कि जैसे ही उनका दौरा हो जाएगा वहां पे चुनाव की तारीख आ सकती है। बहरहाल हम इन सब बातों को अलग हटते हैं, मैं अपनी मेन मुद्दे पे आता हूँ कि मैंने आपसे शुरू में कहा था कि अगर हमारे देश में हर महीने चुनाव हो तो हमारा देश बहुत जल्दी तरक्की करेगा। ऐसा मैंने इसलिए कहा है क्योंकि हम पिछले एक महीने देखें, मतलब 1 सितंबर के बाद तक जब तक हिमाचल में चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है और गुजरात में जब तक होगा तब तक अगर देखा जाए तो वहां पे इतनी परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ है और इतनी परियोजनाओं की घोषणा की गई है कि अगर वो सब पूरी हो गई तो हिमाचल और गुजरात अपने आप में अमेरिका को टक्कर देने लगेंगे। अगर हिमाचल की बात की जाए तो 1 सितंबर से लेकर जब तक वहां पर चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ वहां पर इतनी सारी योजनाओं का शिलान्यास हुआ है, जिनमें से मुख्य है 10 सरकारी कॉलेज, 2 बांध, 100 से ज्यादा गांवों में सड़कें, दर्जनों से ज्यादा पुल, बेघरों को घर, 1 सिटी म्यूजियम, शिमला में 1 हेलीपैड और ढेर सारी योजनाओं की घोषणा कर चुके हैं वहां के सीएम वीरभद्र सिंह। अगर बात करें तो इन सब चीजों को पूरा होने में लगभग 3,000 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा और एक इंग्लिश डेली ने ये दावा किया था कि सरकार का कहना है कि ये पूरे पैसे वो अपनी जेब से खर्च करेगी और केंद्र सरकार से कुछ भी नहीं लेगी। बहुत बड़ी बात है, 3,000 करोड़ रुपए सरकार अपनी जेब से लगा रही है, केंद्र सरकार से कुछ नहीं ले रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। इसके अलावा चुनाव आचार संहिता लागू होने के आधा घंटा पहले ही 11 योजनाओं को ऑनलाइन ही लॉन्च कर दिया गया। देश काफी तरक्की कर रहा है भाई, मल्टीमीडिया चीजों का जमाना है, ऑनलाइन चीजें चलती हैं। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कुल्लू में एक ही दिन में 39 शिलान्यास किए थे एवं शिल्लई नामक एक जगह है जहां पर उन्होंने भाषण में 2 डिग्री कॉलेजों का उद्घाटन भी कर दिया। लिस्ट बहुत लंबी थी, मैंने इनकी महत्वपूर्ण बातें और महत्वपूर्ण जो इनने काम किए वही आपको बताए हैं क्योंकि गुजरात सरकार की लिस्ट तो इससे भी बहुत लंबी है। आप अपनी साथे थाम कर बैठिएगा क्योंकि आप सुनते सुनते थक जाएंगे पर उनकी लिस्ट खत्म नहीं होगी। गुजरात के मुख्यमंत्री ने नव बंदर, पोरबंदर, वीरावल पर मछली पकड़ प्रोजेक्ट के लिए 1100 करोड़ रुपए का ऐलान किया। वडनगर को नया मेडिकल कॉलेज, एक नया बस स्टैंड, एयर कंडीशन बैंक्वेट हॉल और एक नया हॉस्पिटल देने का ऐलान किया। बनासकांठा करके एक जगह है वहां पर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 45 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है। बीते 10 अक्टूबर से गुजरात में पेट्रोल और डीजल के भाव 3 रुपए कम कर दिए गए क्योंकि वहां पर वैट खत्म कर दिया गया है। इसके साथ ही हीरे के अलावा जो गुजरात का दूसरा मुख्य कारोबार है यानी कपड़ा कारोबार, उसको लेकर नई पॉलिसी लागू की गई है। राज्य सरकार ने अपने 8 लाख से अधिक कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते को 1% बढ़ा दिया है। इसके अलावा पाटीदार आंदोलन से 235 मुकदमे वापस लिए जाएंगे जिनमें से 136 पर तो कार्रवाई शुरू कर दी गई। इन दोनों राज्यों की इतनी सारी जो परियोजनाएं और वादों को जो मैंने आपको बताया उसमें एक चीज मैं आपको बता दूं कि चुनावी वादों का कोई सर पैर नहीं होता है। अगर राजनेता अपने इन वादों को पूरा करें तो प्रायः ये देश के लिए बहुत अच्छा होगा और ऐसे में राजनेताओं की साख भी बढ़ेगी। मैं भोपाल का हूँ इसलिए मुझे भोपाल का एक जुमला बहुत अच्छे से याद है कि हम भोपाल को पेरिस बना देंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि चुनाव हर महीने होना चाहिए क्योंकि अगर वो हर महीने होंगे तो ये वादे भी पूरे हो जाएंगे और हमारा भविष्य भी उज्जवल रहेगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके कोई सजेशन हो या आप मुझे कमेंट देना चाह रहे हो तो मेरे कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा। आप देखते रहिए newsview360.com। धन्यवाद।